अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लीजिए। हमने पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, उसमें क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। इस बार क्या लग जाएगा, माइनस 1/v + 1/u = 1/f था मिरर, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। दूसरा एक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, वहां पे था -v/u, यहां पर क्या रहेगा, +v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था वहां पर HI/HO, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट। एक बार बताओ, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी या नहीं होगी, बताओ जरा। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ये अगर इन चारों में से कोई तीन भी आपको क्वांटिटीज दी हुई है तो आप फोर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है। तो अगर मैग्निफिकेशन पूछा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाकर जो चीजें दी हुई, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर मैग्निफिकेशन निकालोगे, और अगर ये वाला हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अगर आपके पास है तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। बाकी जो साइन पुट करने हैं उन चीजों का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर, सॉरी लेंस फॉर्मूला। बाकी एक और फॉर्मूला होता है वो भी बता देता हूं कि भाई फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ सकती है। डेफिनेशन जरा देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस ये है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब समझिए, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं, कभी भी विड्थ की बात नहीं, उसकी विड्थ चौड़ाई की बात नहीं करते हैं। इसीलिए वो बात किसी कर रहे हैं, लीनियर की, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसकी हाइट कितनी छोटी बड़ी हो रही है सिर्फ उसकी बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा एक और भी चीज बताई थी मैग्निफिकेशन का, एक और भी फॉर्मूला बताया था भाई, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी ओवर यू। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की एक और डेफिनेशन है, क्या है वो, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो इन बातों का बेटा आपको ख्याल रखना है, जो चीज मैंने आपको साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी बता दी है। वो कह रहे पुट द करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अगर आपको मान लीजिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर, तो मैं अपनी तरफ से यहां पर माइनस पुट करूंगा। तो पहले तो वो ये कह रहे हैं कि भाई करेक्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप क्या पुट कीजिए, साइन पुट कीजिए, पहला केस। दूसरा केस वो क्या कह रहे हैं, अगर अननोन वेरिएबल है, मान लीजिए वो आपको दे दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दे दें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दे दें और क्या दे दें आपको, फोकल लेंथ दे दें। अब जो इमेज डिस्टेंस है उसका साइन अपने आप कैलकुलेट होकर आएगा, आप पहले से ही कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पुट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो वो आपसे कह रहे हैं डू नॉट पुट द साइन ऑफ अननोन वेरिएबल, द साइन विल ऑटोमेटिकली कम अप ड्यूरिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के साथ अपने आप ही प्लस या माइनस आ जाएगा। दूसरी बात, इफ इमेज इज रियल द मैग्निफिकेशन टेकन एज नेगेटिव, अगर रियल है तो कैसी होगी मैग्निफिकेशन, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, मैं आपको वजह बता देता हूं। देखो ये मान लीजिए आपका लेंस है, अगर रियल बनेगी तो इधर होगा, इमेज डिस्टेंस इस केस में कैसी आएगी, नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? तो मैग्निफिकेशन अगर रियल है, इमेज कैसी है, रियल, तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन वन देन द नेचर ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस वन से ज्यादा आती है तो समझ जाइए कि वो कैसा है, कॉन्वेक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में हमेशा स्मॉलर देन द इमेज बन रही है। कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बन रही है वो कैसी बनी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये कहें डिमिनिश्ड। तो उसका मैग्निफिकेशन वन से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, लेस देन वन होगा। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन वन या वन से बड़ा है तो समझ जाइए कि लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बट लेस देन वन देन द नेचर ऑफ लेंस इज कॉनकेव। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन वन आ रही है तो समझ जाइए कि लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन नेचर ऑफ लेंस इज कॉनवेक्स। ठीक है, नेगेटिव आए अगर मैग्निफिकेशन तो कॉनवेक्स है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन ऑलवेज नेगेटिव। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर की जाती है। इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। फोकल लेंथ का जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की, वो कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसा था, पॉजिटिव, लेंस में भी कैसा है, पॉजिटिव, और कॉनकेव में कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव एज नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो आपके लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे।